नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र में हथियार के साथ रील बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो युवकों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार सोहसराय थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मोगल कुआं कब्रिस्तान में दो युवक हथियार लेकर वीडियो शूट कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। थानाध्यक्ष राजमणि ने बताया कि गिरफ्तार युवकों की कुंडली खंगाली जा रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये युवक हथियार लेकर वीडियो क्यों बना रहे थे और इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। सूचना मिला था कि बौली पर मस्जिद के पास मोगल कुआं के पास दो लड़के मिलके वो बना रहे हैं टिकटॉक वीडियो कट्टा उट्टा के साथ हैं। तो इसकी सूचना के सत्यापन में थाना पदाधिकारी लोग गए तो उसको पकड़ा गया। फिर जब उसको सर्च उस किया गया तो उसके पास से कट्टा एक गोली और दो मोबाइल मिला। एक का अपने उम्र बता रहा 18 साल, एक बता रहा 17 साल। उसका वो कोई अभी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं लाया है, फिर लाए तो फिर जैसा होगा बताएंगे। बैकग्राउंड तो इसका कोई आपराधिक जांच हम लोग खंगाल रहे हैं। ऐसे तो अभी हमारे यहाँ कोई केस दर्ज नहीं है, आसपास के थानों में दिखवा रहे हैं।